प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि केंद्र व राज्य के भाजपा सरकार ने जनता को गुमराह व झूठा आश्वासन देकर देश एवं राज्य की जनता को सड़क पर लाने का कार्य सरकार ने किया। इसके आगे उन्होंने कहा कि चिंतन कर विचार करें, इसके बाद योग्य उम्मीदवार को चुनकर दे। शिव स्वराज्य यात्रा पर मुस्लिम लाइब्रेरी सभागृह में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। महाराष्ट्र राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के आधार पर रांका की शिव स्वराज्य यात्रा भंडारा शहर में पहुंचने के पश्चात जगह जगह यात्रा का स्वागत कर यात्रा मुस्लिम लाइब्रेरी सभागृह में हुई। सभा में महाराष्ट्र प्रदेश रांका के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश एवं राज्य के उद्योग व्यवसाय बंद होते जा रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, युवा वर्ग बेरोजगारी से गलत व्यसन की ओर जा रहे हैं। इस देश व राज्य की सरकार जिम्मेदार है। उच्च शिक्षा लेने वाले युवा रोजगार के लिए अथवा नौकरी के लिए राह देख रहे हैं, किंतु उनको अभी भी नौकरी से वंचित रहना पड़ रहा है। राज्य में उद्योग व्यवसाय नहीं है, नौकरी भर्ती बंद की गई है। जो उद्योग व्यवसाय शुरू थे वह भी अभी डूबने के कगार पर है। किसान के माल की गारंटी दाम नहीं है, किसान कर्ज में डूबे होकर आत्महत्या की ओर आकर्षित हो रही है। ऐसे भाजपा सरकार को सत्ता के बाहर निकालने का काम करे, ऐसा आह्वान जयंत पाटिल।